hello students today we start our lesson number 12 a house a home this one is a poem which is written by lauren m haley in this poem students the poet tells us about the difference between a house and a home here you see there is first question which was asked to us is that नी डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम क्या किसी हा, जो हाउस होता है, है उनमें क्या डिफरेंस है क्या कोई डिफरेंस है इफ यू फाइंड एनी डिफरेंस देन सेकेंड इज वट दैट मीन्स डिफरेंस जो भी डिफरेंस है आप उसे शेयर कीजिए उसे बताइए कि वॉट इज द डिफरेंस बिट्वीन अउस एंड अ होम नाउ फर्स्ट Before explaining the poem, first I read this poem to you. You see, the first paragraph, first sorry, first stanza of the poem is: "What is a house? It's brick and stone, and wood that's hard, some window glass, and perhaps a yard. Its eaves and chimneys, and tile floors." and sutuko and roof and lots of doors here this one is the first stanza of the poem now the second stanza of that poem is what is a home it is loving and family and doing for others its brothers and sisters and fathers and mothers its unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring now this one is written by lauren m haley <coughs> you see in this picture in this picture the home is described and in the first picture and in first stanza a house is described here students in first जा व्हाट इज हाउस? घर क्या है इट्स एंड स्टोन जो पत्थरों से, और से, बनता है, और से जो बहुत हार्ड होती है जिनमें कांच होता है एंड परहैप्स अड यार्ड मीनस स्टूडेंट एक एरिया होता है जो बिल्डिंग के आउट होता है जहां पर हार्ड सरफेस होता है और वो सराउंडेड होता है वॉल से That is called as yard. Its eaves and chimneys. Eaves means the lower edge of a roof. Here the lower edge of a roof that sticks out over the walls. And chimneys. A structure through which smoke. Here you see the picture of chimney. Smoke or steam is carried up away from a fire. एंड टाइल फ्लोरस और जो फ्लोर्स होती है उनमें टाइल्स होती हैं एंड स्टूको एंड रूफ एंड लॉर्ड्स ऑफ डोर स्टूको मीन अ टाइप ऑफ प्लास्टर दैट इज यूज फॉर कवरिंग सीलिंग्स एंड आउटसाइड वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड रूफ यू ऑलरेडी नो दैट वॉट इज रूफ एंड लॉर्ड्स ऑफ डोर और बहुत सारे दरवाजों जो होते हैं वो एक घर होता है यहां पर घर के लिए क्या क्या बताया कि जो ब्रिक्स और स्टोन से मिलकर बनता है वुड्स हार्ड वुड उसमें यूज होती है विंडोज में ग्लास होती है और यार्ड होता है बाहर की बाउंड्री होती है ईव्स और चिमनीज होती हैं टाइल फ्लोर्स होते हैं सुटको और रू, रूफ होते हैं एंड बहुत सारे दरवाजे होते हैं द पोएट डिस्क्राइब दैट इज अ हाउस नाउ नेक्स्ट वी गो टू द हो ना इन होम फर्स्ट द क्वेश्चन इज वॉट इज होम घर क्या है पहला वॉट इज हाउस मकान क्या है घर क्या है न इट्स लविंग इन फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पूरी फैमिली का पिक्चर है जो एक दूसरे के लिए हेल्प कर रहे हैं और प्यार से है इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स मम्मी पापा ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर मदर फादर ब्रदर एंड सिस्टर इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग यहाँ पर अनसेल्फिश एक्ट मीन्स स्टूडेंट्स गिविंग मोर टाइम और इम्पोर्टेंस टू अदर पीपल्स नीड एंड विशेस जब हम दूसरों के लिए ज्यादा ध्यान देते हैं तो वो अनसेल्फिश नीड कहलाती है एक्ट कहलाता है और काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस और आप जिनको आप प्यार करते हो आप उनको अपना जो प्यार है वो दिखाओ और हमेशा वो एक दूसरे की केयर करते हैं दैट इज कॉल्ड होम सो स्टूडेंट्स यू योर होमवर्क इज टू रीड दिस पोएम एंड ट्राई टू अंडरस्टूड इट